गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल स्वाति एंड सचिन व्लॉग्स। सॉरी कल हमने जो है वीडियो को बीच में ही हमें रोकना पड़ा। एक्चुअली अभी थोड़ा सा तंग कर रहा था और हमें कहीं जाना था जरूरी किसी काम से बाहर। सो अब हमने सोचा कि नेक्स्ट डे अब हम उस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, अपनी स्टोरी जो आप सबके साथ शेयर करते हैं। कल हम बता रहे थे आपको कि मैं न्यू दिल्ली से ऊना की तरफ आ रही थी, मतलब रास्ते में थी। एंड उसके बाद हमें नेक्स्ट डे जो था मिलना था। एंड मेरे को एक बहुत अच्छी मेमोरी है, मुझे जो याद है कि जब मैं इनसे मिलने जा रही थी तो मेरे पापा ने मेरे को ये बात बोली कि तेरे ऊपर कोई भी किसी भी तरह का प्रेशर नहीं है, चाहे तेरी मम्मी जो मर्जी बोलते रहे, कोई भी कुछ भी बोलता रहे, तेरे को राइट है। अगर तुझे पसंद है देन इट्स फाइन, अगर पसंद नहीं है यू कैन से नो एट एनी टाइम एट एनी पॉइंट। तो मुझे ये वो मेमोरी ना, मतलब वो दिल में वो आज तक है कि मेरे पापा ने मतलब इतना मेरे लिए सोचा। मुझे पता है मतलब आजकल ठीक है टाइम चेंज हो गया, बहुत सी लड़कियों को ये मौका मिल जाता है, बट समटाइम्स कईयों को नहीं मिलता, उनके पेरेंट्स जो उनके लिए डिसाइड कर देते हैं वही है। बट नहीं, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ। देन आपके वहां क्या चल रहा था? मेरे दिमाग में तो यही था कि बस फॉर्मल हम देख दिखाई के लिए जा रहे हैं, दैट्स ओके विल मीट एंड कि हम वहाँ से चलेंगे। बट भाई साहब वहाँ पे हम पहुँचे तो वहाँ पे तो कुछ और ही हुआ। देखो आगे वीडियो में एक्चुअल में हुआ क्या, वो रोका या देख दिखाई नहीं थी, देखो जरा हुआ क्या। जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि मैंने रोके की पिक्चर डाली, सो दिस इज सेम डे पिक्चर कि जिस दिन हम मिले थे उसी दिन हमारा रोका हुआ था। वहां तो मैंने देखा कि सारी रिश्तेदारी पहुंची हुई है, राइट, कि ऑब्वियसली स्वाति की फैमिली बड़ी है तो मेरे लिए थोड़ा सा वो भी शौक था, क्योंकि मेरी ज्वाइंट फैमिली है। मेरी मम्मी ने भी सारी रिश्तेदारी बुलवाई, फ्रेंड सर्कल था थोड़ा बहुत। जब वहां पे मैं आई एकदम रूम में एंटर की तो मेरी मम्मी ने वहां पे बोला ना कि पहले आप दोनों एक दूसरे को लुक वाइज देख लो, अगर सब कुछ सही लगता है देन आपको जो है मतलब अलग से बात करने के लिए बिठाया जाएगा, बट अगर आपको लुक्स ही पसंद नहीं आते देन इट्स फाइन एंड खाओ पियो ऐश करो और कर जाओ। हमें उन्होंने सेपरेट एक रूम में बातचीत करने के लिए बिठाया कि आप लोग एक दूसरे से बात करना चाहते हो, जानना चाहते हो एक दूसरे को, तो आप बात कर सकते हो। तो वहीं पे बैठे बैठे सभी ने मिठाई के डब्बे ये वो फटाफट भाग भूक के लेके आए। वो तो मैंने इतनी फास्ट सर्विस तो कभी नहीं देखी, मेरे बैठे बैठे से मेरे को तो पता भी नहीं चल रहा था हो क्या रहा है। उसके बाद क्या हुआ फिर आप वीडियो में देखो कितना एक्साइटेड थे वो, और वहाँ पे वो वहीं पे उन्होंने डांस खुद ही गाना गा के डांस करना शुरू कर दिया। ना कोई म्यूजिक ना कोई कुछ, खुद ही नाचने लगे हुए, खुद ही बोलियां डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो ये था मेरा रोका जो कि एक देख दिखाई थी और बन गया वो रोका, मतलब कि सरप्राइज ही मिला। सरप्राइज द नेक्स्ट डे, एक्चुअली सेम नाइट मेरे को इनका मैसेज आया फेसबुक पे कि डू यू वांट मीट टुमारो, है ना। मैंने बोला कि ठीक है मैं अपनी मम्मी से पूछती हूँ, तब मैं आपको बताऊंगी मम्मी से पूछ के कि मिलना या नहीं। देन इन्होंने बोला दैट्स फाइन कि मेरी मम्मा जो है तुम्हारी मम्मा से बात कर लेंगे इफ यू वांट टू। मैंने कहा यस, मतलब आप बोल दो उनको कि मम्मी से बात कर लें, इफ दे से यस देन देयर इज नो प्रॉब्लम, अगर वो मना करते हैं देन आई हैव टू थिंक अबाउट इट, राइट। तो बीच में बोल रहा कि मेरी भी सुन लो, मैं तो आज डाल ही नहीं वीडियो में, सो के उठा लियो। देन यस, फिर उसके बाद इनके मम्मा ने मेरी मम्मा से बात करी फोन पे कि ऐसे ऐसे बच्चों को एक बार मिलने देते हैं क्योंकि ये जाने वाले हैं कुछ दिनों में, तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं होगा क्योंकि फिर अगर ये आते तो सीधा शादी के टाइम पे ही आना था इन्होंने। तो मतलब एक बीच में जो एक्चुअल फिजिकली मिलना हुआ है वो डिफरेंट थिंग होती है, फोन पे आप लाख बातें कर लो इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो, राइट। तो उन्होंने बोला कि मेरी मम्मी ने बोला दैट्स फाइन तुम लोग मिल सकते हो, है ना। तो और हम लोग अकेले नहीं मिलने वाले थे, इनके साथ इनके कजिन्स थे।
तुम्हें दिल्ली जाना है, तो हम ऐसा करते हैं कि आपको शायद चंडीगढ़ जाना था किसी काम से, या आप छोड़ने गए थे स्पेशल? नहीं, मेरे को काम था, कुछ काम था। हाँ, तो कि हम ऐसा करते हैं कि हम चंडीगढ़ तक तुम्हें ड्रॉप कर देते हैं। फिर उन्होंने मम्मी से बात करी कि ऐसे ऐसे कि चंडीगढ़ फिर साथ में गिफ्ट मिला, मेरे साथ में गिफ्ट मिला भाई की इतनी इनसिक्योरिटी। मैंने बोला भाई अभी शादी नहीं हुई है, कुछ नहीं कर रहा मैं राइट, चंडीगढ़ छोड़ नहीं जा रहा हूँ, है ना। तो घर वाले कहते नहीं ऐसे लड़की को शादी से पहले नहीं भेजते, चलो इट्स अंडरस्टैंडेबल राइट, देयर पेरेंट्स। तो उनके साथ क्या था, फिर भाई जी इसका स्वाति का भाई तैयार हो गया, हाँ जी मैंने भी चंडीगढ़ जाना है जी, मेरे को छोड़ देना। यार की तो वो एक ट्रिक था ये बोलना, उसका ट्रिक था, मैं समझ तो खैर सारा गया मैंने। जैसे हमने वो बंधन मूवी देखी है ना, जिसमें वो बोलता है जीजा जी जो कहेंगे मैं वही करूंगा, जैसे वो उसमें उसके भाई साथ में आता है तो वो कहता है साथ में ही जाऊंगा। मेरे को इतनी हंसी आ रही थी, तो मेरा भाई भी साथ में गया, इनकी सिस्टर थी और इनके कजन थे। मैंने ऑफर किया था, मैं भाई चंडीगढ़ पहुंच गया, बता तूने कहाँ जाना है, हम तेरे को छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं और स्वाति को चढ़ा देंगे, मतलब स्वाति को हम चढ़ा देंगे, मेरी बहन साथ नहीं है, व्हाट्स बिग इशू। कहता नहीं नहीं हम स्वाति को चढ़ा ले, मैं फिर ही जाऊंगा दोस्तों के साथ, क्योंकि अभी दोस्तों को आने को टाइम है। मैं ठीक है, मैं भाई क्या पता इसके दोस्त बिजी हो, थोड़े टाइम में आएंगे भाई। वो तो ऐसा आदमी निकला कि जैसे ही स्वाति को मैंने बस चढ़ाया, बंदे के दोस्त तो दो मिनट में ही आ गए, जैसे वो मेरी गाड़ी के पीछे घूम रहे थे हैं कि इस गाड़ी को फॉलो करे, या शैम्पी ने गाड़ी फॉलो करवा रखी थी पीछे, आई डोंट नो व्हाट ही वाज डूइंग। बट जैसे ही स्वाति गई, वो कहता बस बस जीजा जी मेरे को यही उतार दो कि मैं भाई उसको मैंने उतारा, साथ में उसके फ्रेंड आया, बंदा गायब। मैंने बोला वाह बड़ी फास्ट सर्विस है, तो इसका मतलब तो तेरे यार दोस्त बेले हैं, बिजी तो खैर है नहीं, वो तो तूने बिजी करवाए थे अपनी देर के लिए। फिर उस दिन मैं बस ली मैंने और मैं दिल्ली चली गई, हमारी फोन पे कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई और आफ्टर 3 डेज आई थिंक आपको निकलना था राइट। फिर उसके बाद इन्होंने दिल्ली आना था फ्लाइट लेने, बिकॉज इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा जो नियरेस्ट है वो दिल्ली है, तो वहां पे आना था। तो हमारा था कि आप ऑब्वियसली दिल्ली से फ्लाइट लेंगे तो मैं मिलूंगी राइट। फिर वहां पे इनके कजन्स एंड ऑल साथ में इनको चढ़ाने आए थे, मैं इनको मिली थी दिल्ली में इंडिया गेट मिलने या। तो वहां पे हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया साथ में, कजन्स के साथ मस्ती करी, सभी ने फोटोज पिक्चर्स एंड ऑल ये सब खिंचवाए। और उसके बाद मैं आपको क्लिपिंग शेयर करती हूँ हमारी इंडिया गेट जो मीटिंग थी उसकी। उसके बाद जो है इनकी फ्लाइट थी थोड़ी देर में, दैट वाज द डिफिकल्ट टाइम टू से बाय बाय, बिकॉज आई नो मतलब टाइम थोड़ा था बीच में, बट एनी वेज अटैचमेंट कहीं ना कहीं हो गई थी। और उसके बाद ऐसे मुझे ऐसा लग रहा था कि देर इज अ मतलब गैप, टाइम डिफरेंस रहेगा हमारी बातचीत होने में, ये जॉब पे होंगे मैं भी जॉब पे होंगी, सो पता नहीं कैसे मैनेज होगा। और उस टाइम तक हमारी अभी शादी की डेट भी फिक्स नहीं हुई थी, सो वी डिडंट नो कि कितना टाइम जो है अभी बीच में होगा शादी और ओके के बीच में। तो बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी और मैं सैड फील कर रही थी। हाउ वाज यू वाज फीलिंग? आई वाज लो बट इतना भी नहीं था कि सैड। अच्छा अभी आपको नहीं अटैचमेंट हुई थी मेरे से है ना? अभी यार 2 दिन तो हुए थे मिले हुए, मतलब 5 डेज राइट। तभी देखा मैंने इनको आई लव यू पहले बोला था, बिकॉज इनकी नहीं मेरे साथ अटैचमेंट हुई थी, मेरी हो गई थी है ना। देन उसके बाद चले गए, देखिए एयरपोर्ट की पिक्चर्स। देन उसके बाद स्टार्ट हुआ एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप राइट। इसके बाद धीरे धीरे जो है वो जो है एक अरेंज मैरिज से वो शिफ्ट होना शुरू हुआ लव मैरिज की तरफ राइट। मैं आपके साथ वो पिक्चर्स जो है शेयर कर रही हूँ जो हमने उस टाइम स्क्रीनशॉट लेते थे, वीडियो कॉल्स करते थे।
यार टाइम डिफरेंस एक बहुत बड़ी एक वो थी हमारी उसमें, क्योंकि जब ये काम से आते थे तब मैं काम पे होती थी, मैं काम से आती थी ये काम पे होते थे. देन ही सेड कि तुम जॉब छोड़ दो क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हें यहाँ आना है, फिर तुम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाओगी दोबारा, पता नहीं कब कितने टाइम बाद हम यहाँ से जा पाया करेंगे इंडिया. तो क्योंकि मैं शुरू से ही आफ्टर टेंथ में हॉस्टल्स में ही थी, तो हॉस्टल में रहने की वजह से मैं अपनी फैमिली के साथ उतना टाइम नहीं स्पेंड कर पाई थी लास्ट के कुछ मतलब ईयर्स बोल लो. तो फिर उन्होंने बोला कि तुम, क्योंकि यस हमारी शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी, इट वॉज 29th of March और रोका हमारा हुआ था 7th of August को. तो उसके बीच में ये डिफरेंस था. तो अराउंड सितंबर जो है, मैंने सितंबर अक्टूबर में मैंने जॉब छोड़ दी. तो अब हम इस वीडियो को यहीं पे करते हैं फिनिश. एक्चुअली फिनिश भी नहीं कर सकते, थोड़ा ब्रेक लेते हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम आपको मिलेंगे क्योंकि अदरवाइज इट विल बी टू लॉन्ग एंड टू बोरिंग फॉर यू गाइज. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है एंड इफ यू आर एक्साइटेड फॉर द पार्ट टू ऑफ दिस वीडियो, जस्ट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. हमारे व्यूज आते हैं बट यू नो कि व्यूज ज़्यादा आते हैं या यू नो ट्रैफिक इज कमिंग बट देर नॉट ऑल सब्सक्राइब. सो मेक श्योर कि अगर आपको ये कॉन्टेंट अच्छा लग रहा है, राइट, आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड सब्सक्राइब बट इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो यू शुड, एंड सो वी कैन कीप ब्रिंगिंग मोर फन स्टफ, यू नो कीप गिव्स अस मोर मोटिवेशन, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ हार्ड वर्क टू राइट. एडिटिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, एडिटिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, यू हैव टू गो थ्रू ऑल द स्टफ. सो to keep up that motivation level up, subscribe, press the bell icon, and see you guys until next time. Bye. Bye. Bye.